हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा को बचपन से ही नूडल्स खाने की बहुत बुरी आदत थी, यहाँ तक कि वो अक्सर कच्चे नूडल्स भी खा जाया करती थी। उसे नूडल्स के अलावा कुछ और बनाना तक नहीं आता था। इस बात से उसकी माँ सरोज और पिता सुरेंद्र काफी परेशान रहते थे, इसीलिए वो उसके लिए विराज नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं, जो अपनी माँ मोनिका के साथ उसे देखने उसके घर आता है। वो उनके लिए नूडल्स की अलग अलग वैरायटी बना कर रखती है और उनको परोसती है, और इतनी सारी नूडल्स देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बहन जी, ये देखिए ना आपकी बेटी ने क्या बना रखा है, ना हमने कभी आज तक ये चीज देखा है और ना ही कभी खाया है। बताइए तो क्या बनाया है आपकी बेटी ने। अरे वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी को नूडल बनाने का और खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए आज नूडल की इतने सारे वैरायटी बना दी। क्या ये सब नूडल से बना है? जरा चक्कर तो देखूं कैसा बना है। सरोज उसे प्लेट में परोसकर नूडल्स देती है, जिसे खाकर मोनिका उन नूडल्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। बहन जी, खाना पीना तो हो गया, अब आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए ताकि दोनों बच्चे आपस में बातें कर सकें। सरोज अपनी बेटी को आवाज लगाकर अंदर से बुलाती है, जिसके बाद वो लोग विराज और निशा को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है? जी, मुझे तो नूडल का केक, नूडल्स की रोटी, नूडल का ऑमलेट, नूडल रोल, यहाँ तक कि कच्ची नूडल भी खा जाती हूँ मैं। अबे कैसी जंगली सी लड़की है, कच्ची नूडल कौन खाता है बे? वैसे आपको नूडल के अलावा और क्या क्या पसंद है? वैसे आप भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद घर वाले मिलकर उनकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। शादी के बाद निशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है और अपने ससुराल वालों को रोज अलग अलग तरह के नूडल्स बनाकर खिलाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन रोज रोज उसके ससुराल वाले नूडल्स खाकर पक जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन निशा खाने में नूडल का पिज्जा बनाती है, जिसे देख उसकी सास मोनिका आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, अगर मुझे पता होता कि तू शादी के बाद मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ नूडल ही बना के खिलाएगी तो तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती मैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको नूडल नहीं खाने हैं तो जाइए अपने लिए कुछ और बना लीजिए। अरे तुझे पता भी है रोज रोज नूडल खाना कितना हानिकारक होता है हमारे लिए, और रोज रोज नूडल खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे नूडल जैसे। देखिए सासू माँ, आप अपना खाना अलग बनाती हैं, अलग खाती हैं। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? तो फिर आप क्यों मुझ पर अपनी जबरदस्ती मर्जी थोप रही हैं? अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे समझा रही हूँ, जा जो मर्जी करना है कर, अब नहीं बोलूँगी तुझे। तभी वहाँ विराज आ जाता है और सारी बात सुन लेता है, और निशा को इस तरह बदतमीजी से बात करता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर बोलता है, अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जो माँ से ऐसे बात कर रही हो? क्या गलत बोल दिया माँ ने तुम्हें? अरे तुम्हारा भला ही तो चाहती है तभी ये सब समझा रही है। पहली बात तो ये कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ ना हो, और दूसरी बात ये कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं सोचूंगी, आप नहीं। ये बात बोलकर वो नूडल्स खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती है। उसकी सास उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के लिए अलग खाना बना कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सरोज अपने और अपने बेटे के लिए रोजाना अलग खाना बनाती, तो वहीं निशा अपने लिए रोज नूडल्स बनाकर खाती। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे निशा बीमार होना शुरू हो जाती है। उसके पेट में दर्द रहने लगता है और रंग पीला पड़ जाता है, साथ ही उसके होंठ भी सूखे और सफेद पड़ने लगते हैं। वो कमजोर होती जाती है और बुखार से तपने लगती है। उसकी हालत बिगड़ता देखकर मोनिका और विराज दोनों को ही उसकी चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब निशा घर का काम कर रही होती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी मोनिका और विराज दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां काफी देर उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं, जी देखिए, जरूरत से ज्यादा नूडल्स और जंक फूड की वजह से आपकी वाइफ का लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और ज्यादा मैदा खाने की वजह से इनकी नसें जाम हो गई हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और इनका ये खाना पीना बंद कराइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और हाँ, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और इन सब चीजों से दूर रखें। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर निशा का इलाज शुरू करते हैं, पर अब भी निशा के दिल से उसका नूडल्स का लव नहीं जाता और वो घर पर बना खाना नहीं खाती है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे देख उसका पति और उसकी सास मोनिका बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। निशा, क्या है ये, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरी मर्जी विराज, और वैसे भी मुझे नूडल के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बहू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे नहीं होना ठीक, मुझे पहले नूडल चाहिए बस। निशा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी तो तुम जानती हो मुझे कितना हर्ट हुआ था, पर तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा अपने नूडल्स प्यारे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही जहर खा के मर जाता हूँ, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो। विराज की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने पति और अपनी सास मोनिका से माफ़ी मांगती है। नहीं नहीं विराज जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। आपके बिना मेरा क्या होगा? मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप तो हमेशा मेरा अच्छा सोचते थे, तभी मुझे इतना समझाते थे। और सासू माँ, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ आया, यही सबसे अच्छी बात है। इस तरह निशा की नूडल्स खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है और वो घर का बना सादा और अच्छा खाना खाने लगती है। साथ ही वो अपनी सासू माँ की तरह अलग अलग तरीके का खाना बनाना भी सीख लेती है और अपने पूरे परिवार को रोज नए नए डिशेस बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आस्था बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी, साथ ही वो घर के सभी काम अच्छे से कर लेती थी। आस्था पिज्जा खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। वो अलग अलग जगह जाकर तरह तरह के पिज्जा ट्राई करती रहती थी, जैसे कि चीज कॉर्न पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा एक्सेट्रा। उसके साथ घर में उसकी मम्मी पिंकी और पापा दिनेश रहते थे। उसे जब भूख लगती थी तो वो बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त, आस्था बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खा लो, मेरा ना पहले से पेट भरा हुआ है। क्यों लाडो, तूने ऐसा क्या खा लिया? वो क्या है ना मम्मी, मैंने 5 पिज्जा खाए थे, इसीलिए अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। हे भगवान, ये लड़की भी ना फिर से पिज्जा खा लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 5-5। आस्था के पापा, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे आस्था बेटा, तुम इतना पिज्जा मत खाया करो, वरना एक दिन बीमार पड़ जाओगी। ओफो पापा, कुछ नहीं होता ये सब खाने से। वैसे भी मैं कभी कभी तो खाती हूँ, कौन सा रोज ही खाती हूँ। देख रहे हो ना अपने बेटे को, कितना एहसान कर रही है हम पर, ये बता कर के मैं पिज्जा खा कर आई हूँ। अरे इसको कुछ समझाओ कि रोज रोज पिज्जा खाकर ये एकदम डंबल डाउन हो जाएगी। ओफो मम्मी का हाथो, आप खामखा इतने टेंशन ले रहे हो? देखना मुझे ना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और आस्था के लिए एक दीपेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है जो अपनी माँ कल्याणी के साथ उसे देखने उसके घर आ जाता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दीपेश और आस्था की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। आस्था आए दिन अपने ससुराल में भी अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती और सभी लोग रोज रोज एक जैसा खाना खाते। तो ये सब कुछ देखकर उसकी सास को आस्था पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक दिन रसोई में, अरे बहू आज क्या बना रही है खाने में? कहीं फिर से वो मैदे की रोटी तो नहीं बना रही तू? माँ जी मैंने लंच में पिज्जा बनाया है, वो भी मार्गरेटा पिज्जा। आए हाय ये बेशरम तो हमें बीमार करके ही छोड़ेगी। सुबह शाम बस यही खिलाती रहती है। ओफो माँ जी आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप वही खा लेना। अरे मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बना और अपने लिए भी। देख बहू मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। ये सब कभी कभी खाना ठीक है पर डेली अच्छा नहीं होता। प्लीज माँ जी बस करो ना, पिज्जा खाने का मजा किरकिरा मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आस्था बाकी सबके लिए तो सादा और अच्छा खाना बनाती थी पर खुद के लिए अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती थी और वही खाती। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कुछ भी कहे, वो किसी की बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार उसके ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इस बीच आस्था ब्रेकफास्ट लंच या डिनर तीनों टाइम बस पिज्जा ही खाती थी और पिज्जा के खाली डब्बों का ढेर घर के अंदर लगा देती थी। जब एक हफ्ते बाद सभी घर वाले वापस आते हैं तो कल्याणी पिज्जा के डब्बों का ढेर देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे ओ बेशरम नालायक, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तो क्या करूँ, आरती उतारू तेरी पिज्जा देवी। अरे जितना पैसा तूने पिज्जा में बर्बाद किया है, अगर उतने पैसे का घर का कुछ बना कर खा लेती तो कुछ हो जाता तेरा। माँ जी देखिए पहली बात तो ये कि आप शांत हो जाइए और दूसरी बात ये कि आप जानती है कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है और तीसरी बात ये कि आप जितना भी मना करें जितना भी रोक ले, मैं पिज्जा खाऊंगी तो बस खाऊंगी। अरे आग लगे तुझे और तेरे पिज्जा को, मैं नहीं रोकूंगी, जा जो मर्जी करना है कर। तभी वहाँ दीपेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। साथ ही आस्था को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? पहले तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऐसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? माँ से ऐसे बात करती हो? अरे तो क्या करूँ मैं, तुम दोनों माँ बेटे को बस मेरे खाने से ही दिक्कत है। अरे मैं पूछती हूँ कि मैं पिज्जा खाऊं या रोटी, इससे आप दोनों को क्या? आपको तो खाना बनाकर दे रही हूँ ना, तो शांति रखो। हम तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि पिज्जा खा खा कर तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, मोटी बुद्धि। तो फिर कहा ही किसने है सलाह देने के लिए? मेरे अच्छे बुरे का मैं अपने आप सोच लूंगी, आप चिंता मत करो। आस्था गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आस्था अपनी पिज्जा खाने की आदत को बरकरार रखती है और एक दिन आस्था के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से करहाने लगती है। दीपेश और कल्याणी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, जी आपकी वाइफ ने देर रात को जरूरत से ज्यादा पिज्जा खा लिया है जिस वजह से उनके पेट में मैदा जम गया है और अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है और ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है उनका बचना मुश्किल है। आप चाहें तो ऑपरेशन से पहले आस्था जी से मिल सकते हैं। दीपेश और कल्याणी आस्था से मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां वो दर्द से करहा रही होती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा छुप छुप कर पिज्जा खाती रही और आज यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से ठीक हो जा। माँ जी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी समझी। नहीं दीपेश जी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मुझे माफ कर देना पर मुझे जाना होगा। इतना कहते ही आस्था के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इस तरह सबको सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना किस तरह हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। प्रीति एक बहुत ही सुंदर लड़की थी लेकिन वो काफी बदतमीज थी। उसे बचपन से ही अपने पिता ब्रिजेश की देखा देखी पान खाने की बुरी लत थी। वो पान को खाकर यहाँ वहाँ उसे थूकती रहती थी, जिससे उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कल्याणी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, ए लड़के कहाँ है तू, जरा यहाँ आ, हमको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कहाँ सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो, कोई पताल लोक में थोड़ी ना है। तभी प्रीति अपने मुंह का पान पास के गमले में थूक देती है, जिसे देख कल्याणी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है, हाय हाय एक तुम और तुम्हारे पिता, हम तुम्हें इतनी बार समझा चुके हैं क्यों इधर उधर पान ना थूका करो, लेकिन तुम्हें तो कोई बात मानने ही नहीं होती। क्या बात है, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, खामखा के सिरदर्दी मत चढ़ाओ। अब तुमने बात करने के लिए हम अपना इतना महंगा पान खराब करें। ठीक है अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखे हैं, कल आ रहे हैं लड़के वाले तुम्हें देखने, समझ गयी, तो थोड़ा बन ठन कर रहना उनके आगे। अरे हमको नहीं करनी कोनो शादी वादी। चुप करो तुम, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी। तभी वहाँ प्रीति के पिता चलकर आ जाते हैं। देखिए बाबूजी, माँ जी हमारी शादी की बात कर रही है और हमें नहीं करनी कोई शादी। अरे तो क्या हुआ, मिल लो एक बार, हमने सुना लड़का बहुत ही सुंदर है और पैसे वाला भी, समझी। पैसों वाला सुनते ही प्रीति खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उसकी माँ का पसंद किया हुआ लड़का विजय अपनी माँ सरला के साथ उसके घर उसे देखने आता है। ब्रिजेश और कल्याणी दोनों मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अरे बहन जी आ गई आप, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाई साहब, हम बहुत आराम से पहुँचे हैं। वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। सरला उन्हें कहती है, अरे बहन जी जरा अपनी बिटिया को तो बुलाइए, जरा उसे भी देख लें। अरे बहन जी काहे नहीं, अभी बुला देते हैं, अरे प्रीति जरा यहाँ तो आओ। तभी सामने से तैयार होकर हाथ में चाय नाश्ता लिए प्रीति आती है, जिसे देख विजय को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और सरला भी उसकी तारीफ करती है। आए हाय बहन जी, अजी आपकी बेटी तो एकदम सुंदर है, इसका सुंदर सा चेहरा, मोटी मोटी आँखें और लाल लाल होठ, वाह क्या कहना बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह, फिर तो हम रिश्ता पक्का समझे, है ना बहन जी? अरे हाँ भाई साहब क्यों नहीं। दोनों परिवारों की तरफ से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल में सबको अपने हाथ के बने अलग अलग तरीके के पान बनाकर खिलाने लगती है और खुद भी बड़े मजे से खाती है। लेकिन उसकी सास सरला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि प्रीति घर के अंदर कहीं ना कहीं पान की पिचकारी निकाल दिया करती थी, जिससे पूरा घर गंदा रहता था। सरला इन सब से परेशान हो जाती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? तनिक इधर तो आओ फुर्ती में। अरे आ रहे हैं, काहे पूरा घर सिर पर उठा लिए? अरे ओ बहू, हमें ये तुम्हारा पान बनाकर दूसरों को खाना और खिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे तुम ये सब बंद कर दो, इसकी वजह से हमारी खानदान में बहुत बेइज्जती होती है। देखिए माँ जी, बात ऐसी है कि हमें पान खाना बहुत पसंद है। अगर आपको इससे कोई तकलीफ है ना, तो हम ये खाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तकलीफ छोड़ दीजिए। अरे तू पान खाना छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कम से कम इस घर की दीवारी को तो बख्श दे। देख, तेरी पान की पिचकारियों से कितना लाल हो गया है। तो पान कहाँ थूके आपके मुंह पर? साला पता नहीं दोनों बात की दिक्कत है इनको। ये बात बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सास आग बबूला हो जाती है। शाम को जब विजय ऑफिस से घर आता है, तब उसकी माँ उसे सब बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी बीवी प्रीति के पास जाता है। प्रीति, प्रीति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ, क्या चिल्ला रहे हैं? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, बस हमारे घर की दीवारें और गमले छोड़कर, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। कहाँ विजय, तुम भी आते ही शुरू हो जाते हो, मतलब बताइए। अरे जरा घर की सफेद दीवारों को देखो, जो कि अब सारी लाल हो गई हैं। वही ये गमले, इन पर हरे रंग के पत्ते खिले हुए थे, और अब कौन इन्हें हरा कहेगा? हाँ, तो एक काम करते हैं ना, पान खाकर आपके जेबा में थूक देते हैं और मुंह पोंछ लेंगे माँ जी की साड़ी से। कमाल करते हैं आप भी विजय जी, एक कानपुरिया को पान खाने से मना कर रहे हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए, हम ऐसे ही पान खाएंगे और ऐसे ही थूकेंगे, समझ गए आप? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रीति अब और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आती है और अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगती है। हार कर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो विजय और उसकी माँ सरला अपनी बहू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो लोग खुद भी पान खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग प्रीति के कमरे में जाकर पान थूकने लगते हैं और उसी के कपड़ों से मुंह पोंछने लग जाते हैं। प्रीति अपने पति और सास की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान होती है और उनसे पूछती है, माँ जी, ये सब का है? आप दोनों ने हमार कमरे में आकर पान थूका, हमार कपड़न ते मुँह पोंछा, इका बकलोलबाजी लगा रखी है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू नहीं सुधरेगी, इसीलिए हमने भी खुद को तेरे रंग में ढाल लिया और तेरी जैसी ही हरकतें करने लग गए। क्यों, कोई तकलीफ है क्या तुझे? तकलीफ काहे नहीं होगी, हमका हमार कमरा गंदा कर दिया, हमारे सब कपड़े गंदे कर दिए, और हमका ही तकलीफ नहीं हो? हमका कोनो आराम मिलेगा क्या ये सब से? अब पता लगा कि कैसा लगता था हमें, जब तुम पूरे घर में पान की पिचकारी मारकर हमारे कपड़ों से पोंछती हो। तब हमारी इज्जत और प्राइवेसी तुम्हारे लिए मजाक थी ना। प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। हमका माफ कर दीजिए माँ जी, विजय जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हमको अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, वादा करो तुम ये पान खाना छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ, वादा, पान का पिचकारी की कसम। अरे लेकिन ये घर की साफ सफाई कौन करेगा? ये हम करेंगे माँ जी, गंदा हमने किया है तो साफ भी हमें कर देंगे। प्रीति पूरे घर के पान के दाग साफ करती है, साथ ही साथ अपनी पान खाने की बुरी लत भी पूरे तरीके से छोड़ देती है, जिसके साथ वो घर की सफाई का पूरा ख्याल रखती है। सिया एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और चुलबुली लड़की थी, जिसे घर के काम ठीक से नहीं आते थे, फिर भी उन्हें करने की कोशिश करती ही रहती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी दीक्षा और पापा अजय रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके पापा को उनके दोस्त की बेटी की शादी में जाने के लिए इनविटेशन आता है। अगले दिन सिया के मम्मी पापा और सिया शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी के वेन्यू पर पहुंचकर वो दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाने के बाद सिया को बहुत ही भूख लगती है और वो फूड काउंटर की तरफ पहुंच जाती है। तभी वो बोलती है, वाओ, यहाँ कितनी सारी अलग अलग डिश है, किसे खाऊं किसे खाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी मैम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या मैं कुछ सजेस्ट करूं? जी बिल्कुल मैम, ये सारी डिशेस बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। अलग अलग स्टेट का तड़का है इनमें। सबसे बेस्ट एक कचौरी है, आप इसे ट्राई कर देखना चाहेंगी? ओके दीजिए फिर, आज मैं पहले इसी को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं कचौरी ही खाऊंगी। आहा, क्या लाजवाब टेस्ट है इसका, माय गॉड, मजा ही आ गया। भैया 3 कचौरी और दे दो। सर्विस स्टाफ का एक मेंबर उसे और ज्यादा कचौरियाँ लाकर दे देता है और इस तरह से सिया एक एक करके सारी कचौरियाँ उससे लेकर खा जाती है और बोलती है, भैया दो ना, मुझे सच में अच्छी लगी है कचौड़ी। सॉरी मैडम, आपने कुछ ही देर में सारे बारातियों के हिस्से की कचौरियाँ खा ली, जिससे सारी खत्म हो चुकी है, अब और नहीं है। ओके भैया रहने दो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस टेस्ट करने आई थी। भुक्कड़ लड़की सबका खाना खुद अकेले लपेट गई, उसके बाद कहती है कि भूख नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिया को फिर से वही कचौरी खाने का मन करता है और वो घर से बाहर जा रही होती है कि तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा बाहर कहाँ जा रही है इतने दोपहर में, कहीं मत जा, चल अंदर आ। प्लीज माँ जाने दो ना, अर्जेंट है। तुझसे बोला ना कहीं मत जा, चल अंदर। ओके मम्मी। अपनी मम्मी की बात सुनकर सिया अंदर वापस आ जाती है और अपने फोन से कचौरी बनाने की रेसिपी ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में जाकर कचौरी बनाना शुरू कर देती है और सामग्री तैयार करने के लिए वो आटे का डब्बा उतारने लगती है। तभी अचानक सारा आटा उसके ऊपर ही गिर जाता है। तब वो खुद से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, आज तो मैं कचौरी बनाकर और खाकर ही रहूंगी। वो जल्दी से स्टफिंग का सारा सामान तैयार करती है। इतने में उसकी मम्मी वहाँ आती है और उसे इस हाल में देखकर बहुत डांटने लगती है और बोलती है, अरे पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया। क्या करूँ मम्मी, जब से मैंने पार्टी में कचौरी खाई है ना, मेरा बहुत मन कर रहा है फिर से कचौरी खाने का। प्लीज मम्मी मेरे लिए बना दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है, पर एक शर्त पर बनाऊंगी, पहले तूने ये जो सारा खलारा मचाया है ना, इसको साफ कर दे, वरना चप्पल मार मार करना तेरा सारा कचौरी का भूत उतार दूंगी मैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ एकदम चकाचक चमका दूंगी, बस आप कचौड़ी बना दो। जरूर, और अपने आप को भी चमका ले, आटे की भूतनी। दीक्षा के जाते ही सिया रसोई को बिल्कुल पहले की तरह ही चमका देती है और खुद भी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो रेडी होकर वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर प्लेट भरकर कचौरियाँ रखी है। वो जल्दी से कचौरियों पर टूट पड़ती है और उन्हें गपागप खाने लगती है। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है, वाओ मम्मी, आपने तो बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाई थी, मैंने तो सारी की सारी खा ली। क्या मतलब, अरे तू लड़की है या भेड़ जो सब कुछ ही खा गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, अरे कलमूही, एक तो छोड़ देती मेरे लिए। ऐसे ही एक दिन सिया रेस्टोरेंट में बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। तभी हाथों में कचौरी की ट्रे लिए उसका बॉयफ्रेंड व्योम आता है और सिया से कहता है, ये लो तुम्हारा ऑर्डर, अब खुश हो ना, खाओ अपनी फेवरेट डिश। पता नहीं कब से तुमको कचौरियों का चस्का लग गया। ओफा व्योम, कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम? अपने गर्लफ्रेंड का इतना सा शौक नहीं झेल सकते? अब क्या करूं अगर कचौरी मेरी फेवरेट है मेरी जान। ठीक है बाबा, खा लो। अब और चाहिए हो तो बता देना। नहीं व्योम बेबी, मैं तो सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ और फिर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और फिर हमारे छोटे छोटे से बच्चे भी तो होंगे ना। अरे बस बस मेरी जान, आई नो तुम्हें बेबीज बहुत पसंद है, जरा एक मिनट रुको तो सही। व्योम अपने घुटनों पे बैठकर और एक हाथ में उसकी तरफ कचौरी लिए बोलता है, मिस सिया, क्या तुम इस कचौरी को मेरे प्यार समझकर शादी के लिए हाँ करना चाहती हो ताकि मैं भी तुम्हारे हाथ की बनी कचौरी पूरी लाइफ अपने बच्चों के साथ बैठकर खा सकूं। ओह मेरे क्यूट से फ्यूचर हबी, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी और हमारे बच्चों को ना ढेर सारी कचौरियाँ बनाकर खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी और लो तुम भी खा लो। कुछ दिनों बाद दोनों अपनी अपनी फैमिलीज की सहमति से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है, धीरे धीरे वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही हर शाम को चाय के बहाने से अपने ससुराल वालों को कचौरियां खिलाती है, साथ में खुद भी जी भरकर खाती है। तभी एक दिन उसकी सास निमकी बोलती है, ओ बहुरिया, ई का है, अरे तू रोज रोज कहाँ है हमका कचौरी खिलावत रहत है चाय संग। जी माँ जी, वो शाम की चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है इसीलिए बना देती हूँ आपके लिए। माँ जी अब आपको क्या बताऊँ कि मैं तो ये सब कुछ अपने लिए बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि सिया प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वक्त बीतता जाता है, सिया इस दौरान भी खूब सारी कचौरियाँ खाया करती, लेकिन 7वें महीने में वो इन सब से बहुत तंग हो चुकी थी, जिस वजह से अब उसे कचौरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी जगह वो बहुत ही ज्यादा मीठा खाने लगती है। 2 महीने बीत जाते हैं और इस समय सिया हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी डॉक्टर बाहर आकर व्योम और उसकी माँ से कहते हैं, मिस्टर व्योम, आपकी वाइफ ने एक बहुत ही क्यूट सी बेटी को जन्म दिया है। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये डॉक्टर की एक्टिंग करना बंद कर। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहेगी भी। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब जा और जाकर भाभी से और अपने बच्चे से मिल ले। व्योम और उसकी माँ दोनों ही सिया से मिलने जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें वहाँ से वापस घर ले आते हैं और इस तरह सिया अपने पूरे परिवार और अपने बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसकी कचौरी खाने की लत भी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कचौरी खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी कचौरी वाली बहू जिसे कचौरियाँ खाना और उन्हें खिलाना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।